आपका हमारे YouTube चैनल रेसिपी का सब सक्सेस पॉइंट पर स्वागत है। ये जो वीडियो है आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए है, बाकी अदर कम्पिटेटिव एग्जाम में भी है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होगा। एक या दो क्वेश्चन आपको इसमें से जो है देखने को मिल जाएगा एंट्रेंस में। इसमें क्या करना है, आपको घड़ी की सुइयों के बीच का एंगल निकालना है, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का एंगल निकालना है। देखिए किस प्रकार से करना है, बड़ा आसान है। तो जो आपकी घंटे की सुई है, 12 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है, 12 घंटे में घुमा को कितना हो जाएगा पूरा एंगल, 360 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए एक मिनट में घुमा कौन कितना हो जाएगा, 360 बटे 12 गुना 60, इसके जो है घंटे के मिनट बना लीजिए 60 से गुना करके, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। 30 से इसको काट लीजिए 1/2, तो आधा डिग्री हो जाएगा। जो आपकी घंटे वाली सुई है एक मिनट में आधा डिग्री घूमती, इसी प्रकार मिनट वाली सुई द्वारा एक मिनट में घुमा कौन 60 मिनट में ले लीजिए, 60 मिनट में घुमा कौन कितना हो जाएगा 360 डिग्री, एक मिनट में घुमा कौन कितना हो जाएगा, ये पूरा 360 होता है, तो 360 को 60 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 6 डिग्री। तो आपकी जो मिनट वाली सुई है ये जो है एक मिनट में 6 डिग्री घूमती है, जो घंटे वाली सुई है एक मिनट में आधा डिग्री घूमती है। ये दो कंसेप्ट आपको याद रखने हैं तो क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा। मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है 3:40 पर जो है सुइयों के बीच का एंगल बताइए, तो कुछ नहीं करना है आपको, ये आपका यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट हो जाएगा, और 5 मिनट में घुमा कौन कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो इतना आपको ये 30 लेना है, 30 × 60, 30 × 90, 120, तो ये 150 हो जाएगा। इनको काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, और 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 150 डिग्री हो जाएगा। ये आपका जो है 150 डिग्री हो जाएगा। जहाँ पर सुई है आपकी सुई जो है 40 पर है, इसका हाफ कर लीजिए, कितना हो जाएगा 20, ये आपको इसमें से घटा देना है, तो कितना जाएगा आपका 130 डिग्री, ये आंसर आ जाएगा। जहाँ पर भी सुई है उसको हाफ करके इसमें से आपको घटा देना है, क्योंकि जैसे ही ये जो आपकी मिनट वाली सुई यहाँ पर पहुँचती है तो घंटे वाली सुई भी थोड़ा आगे खिसक जाती है, तो कितना डिग्री आगे खिसक जाती है वो 20 डिग्री, इस प्रकार से करना है। और यदि मिनट वाली सुई पीछे है तो आपको ऐड करना है, मिनट वाली सुई जो है घंटे वाली सुई से पीछे है तो ऐड करना है, आगे है तो घटाना है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लीजिए। माना आपको जो है 2:30 पर जो है सुइयों के बीच का एंगल बताना है, तो देख लीजिए 2 से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये आपका 120 डिग्री हो जाएगा। जो आपकी मिनट वाली सुई है कहाँ पर है, 30 पर है, 2:30, तो 30 का हाफ कर लीजिए, कितना जाएगा 15 डिग्री, और इसमें से घटा दीजिए, तो कितना बच जाएगा 105 डिग्री, ये आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करना है, बड़ा ही आसान है। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।